हम ईश्वर अल्लाह से हम निश्चित तौर पर जो है से कि बड़ी बड़ा आशीर्वाद है हमको जो घटना स्थल पर अपराधी ऑन स्पॉट हथियार के साथ पकड़ा गया, घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसका जांच का विषय है कि वो किसके साथ है जुड़ा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी के तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जमकर हंगामा कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जनता का राज नहीं गुंडों का राज है, और यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि मंत्री इसराइल मंसूरी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हत्या किया है। एक बड़ा आरोप विजय सिन्हा लगाते दिखाई दे रहे हैं, और उसी बीच बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी छवि हर कोई जानता है, पंचायत स्तर से उठकर वह यहाँ तक पहुँचे हैं, बिहार विधानसभा पहुँचे हैं, मंत्री बने हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी को करारा जवाब देते हुए, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसराइल मंसूरी को बुलाया था, सभी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। हम जो है एक पंचायत प्रतिनिधि से चुनाव लड़ करके हम यहाँ आए हैं, और मुजफ्फरपुर ही नहीं जो लोग हमको जानते हैं वो हमारी छवि को बरूबू जानते हैं, और हम इस घटना के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे। हम ईश्वर अल्लाह से हम निश्चित तौर पर जो है से कि बड़ी बड़ा आशीर्वाद है हमको जो घटना स्थल पर अपराधी ऑन स्पॉट हथियार के साथ पकड़ा गया है, तो इसमें अब कोई दूसरी बात ही नहीं है। हत्यारा ऑन स्पॉट जब घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसका जांच का विषय है कि वो किसके साथ है जुड़ा हुआ। मंत्री जी ने भी आपको बुलाकर तलब किया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जानकारी तो चूंकि हर आदमी कोई बात उठती है तो जानकारी, हमारा कहना है कि हम वहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, समझे, और अपराधी ऑन स्पॉट पकड़ा गया हुआ है। तो आपने सुना बड़ा आरोप, जहां एक तरफ बीजेपी लगा रही है वहीं दूसरे तरफ से तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, और कहते नजर आ रहे हैं कि ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, मगर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के आसपास जो इलाके में लोग रहते हैं वो उनके छवि को जानते हैं, और वो जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, विकास का काम किया है, और जो आरोप लगाया जा रहा है हत्या का, तो हत्यारा हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ है मौके वारदात पर ही, और ऐसे में बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे मंत्री जी, मगर सवाल तो उठ रहे हैं, और बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इन तमाम सवालों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते भी नजर आ रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।